नमस्कार, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल फॉरेन खबरों में। तो शुरू करते हैं आज की खबरों से। थम नहीं रही कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटों में 2,15,000 से अधिक लोग हुए संक्रमित, करीब 1200 लोगों की मौत। इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 15.5 लाख के पार पहुंची। इस बीच 11,45,00,000 लोगों को लगा कोविड से बचाव का टीका। पत्रकारों के टीकाकरण की मांग, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की केंद्र सरकार से अपील, पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देकर उन्हें लगवाई जाए कोरोना वैक्सीन। कहा, बिना वैक्सीनेशन के पत्रकारों के लिए मुश्किल हो रहा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। मेरठ और नोएडा में रात 8 बजे से ही कर्फ्यू। यूपी के नोएडा, मेरठ और लखनऊ समेत 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी कर्फ्यू की अवधि। दिल्ली में मॉल और जिम बंद, वीकेंड पर रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियों का ऐलान। पूरे हफ्ते बंद रहे मॉल, जिम, स्पा और एंटरटेनमेंट पार्क। एक जोन में ही वीकली मार्केट की दी जाएगी इजाजत। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फॉरेन खबरें।